इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल बुधवार को नामांकन किया। सभा में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार यादव और धन्यवाद ज्ञापन रामगढ़ जिला अध्यक्ष मुन्ना पासवान ने की। कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर, राजद से मंत्री सत्यानंद भोक्ता, जेएमएम से फागु बेसरा, बरही विधायक उमाशंकर अकेला यादव, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, पूर्व विधायक सौरभ नारायण सिंह, योगेंद्र साव, ममता देवी, बजरंग महतो, भीम कुमार, संजय पासवान, कुमार गौरव सिंह, महिला प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह सहित दिग्गज नेतागण के अतिरिक्त महागठबंधन के नेतागण, प्रदेश, जिला और महानगर प्रखंड कमेटी, 20 सूत्री व मंच मोर्चा के अध्यक्ष और नेता उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सिर्फ जुमलेबाजी करती है और झूठ की राजनीति करती है। जब जब चुनाव आता है तब तब नया नया जुमला लेकर आती है। भाजपा की गारंटी योजना भी सिर्फ एक जुमला है, झूठे वादे कर लोगों को ठगने का काम करती है। इन्होंने कहा कि अब तक जनता से किए गए वादों को भाजपा ने पूरा नहीं किया। भाजपा आदिवासी की विरोधी है, बीजेपी पार्टी से सावधान रहने की आवश्यकता है। उपस्थित भीड़ को देखकर ये एहसास हो गया यहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत होगी। हम हजारीबाग और झारखंड के 14 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। सभा को पूर्व वित्त और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने संबोधित करते हुए कहा कि हजारीबाग को बचाना है और हमने ये प्रण लिया है कि हजारीबाग को अतताई शक्तियों से बचाएंगे और जयप्रकाश भाई पटेल को भारी बहुमत से जिताना है और हजारीबाग को सुरक्षित हाथों में सौंपना है। इस अवसर पर प्रदेश के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि देश में सिर्फ राहुल गांधी की गारंटी चलेगी। ये चुनाव लोकतंत्र संविधान को बचाने व तानाशाह को रोकने का है। भाजपा की अलग नीति रही, सिर्फ झूठ बोल रही है। अच्छे दिन लाने वाले आज भूल गए। हर साल 2 करोड़ बेरोजगार को रोजगार देने की बात जुमला साबित हुआ। 15 लाख देने का वादा किया लेकिन खाता में 15 पैसा भी नहीं आया। इस अवसर पर विधायक दल के नेता और कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 2019 में डबल इंजन की सरकार ने राज्य में 11 लाख राशन कार्ड रद्द किया था। हमारी सरकार ने 20 लाख ग्रीन कार्ड बनाकर दिया। गरीब का बच्चा नहीं पढ़े इसलिए रघुवर सरकार ने 5000 प्राथमिक विद्यालय बंद करवाया था। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा का रोशनी जलाएगी। आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसदों के द्वारा गोद लिए गए एक गांव में भी विकास का कार्य नहीं हुआ। वहीं सौरभ नारायण सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार सभी चीज़ों को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप रही है। 2014 के पूर्व में भाजपा महंगाई का विरोध करती थी लेकिन सत्ता में आते ही देश में महंगाई बढ़ने लगी। महंगाई से जनता त्रस्त है। ये सरकार देश से संविधान खत्म करने पर आमदा है। सभी केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। इस अवसर पर विधायक उमाशंकर अकेला यादव ने कहा कि हमारी सरकार खेतों में सालों भर सिंचाई के लिए पानी पहुंचा रही है। इस बार तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकना है और हजारीबाग के व्यापारी प्रत्याशी से हजारीबाग को बचाना है और माफिया के चुंगल से मुक्त कराना है। इस अवसर पर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने कहा केंद्र सरकार आरक्षण नीति को समाप्त करना चाहती है इसलिए 400 पार की बात कर रही है। भाजपा मुट्ठी भर पूंजी पतियों के लिए राजनीति कर रही है। महागठबंधन के सभी घटक दल एकजुटा कर परिचय दे रहे हैं और यहां से जयप्रकाश भाई पटेल को भारी मतों से जितवाने की अपील की। आज के कार्यक्रम में दारू प्रखंड के प्रमुख श्वेता कुमारी, कटकम सांडी के संजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी में अपने समर्थकों के साथ ज्वाइन किया। कार्यक्रम समाप्ति के बाद पूरे शहर में रोड शो का कार्यक्रम भव्य तरीके से संपन्न हुआ। इस अवसर पर हजारों हजार इंडिया गठबंधन के नेतागण और कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही। मंत्री
और हमारे विधायक लोकप्रिय विधायक मातुलकर अकेला जी, राम बाबा प्रसाद जी विधायक और इस क्षेत्र की झारखंड या देश की सीनियर राजनीति भूमि निभाए जयपुर सिन्हा जी, हरे समाज में सभी धर्म के जिला अध्यक्षिया हमारा जी एम क्यू आज जो इस भारत देश में एक तनाता ही अराजकता के फैले, भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम शुरू कर दिया। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी रहा, ये 10 साल में भारतवासी की प्रदेश ऐसा कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ भुआबाजी के राजनीति शुरुआत किया है। 2014 में एक महंगाई के नाम पर आए थे, 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर आए थे, लाने के लिए नाम से आए थे, हर परिवार को 15 लाख बढ़ाए थे।